बिंदु दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई। टोटल 5000 पद निकाले गए हैं। यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर आवेदन करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पास चयन कैसे किया जाएगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फीस कितनी लग रही है, यानी अप्लीकेशन फीस जो है, फॉर्म फीस जो है तो कितनी लग रही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और टोटल यहां जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 5000 पोस्ट हैं। आप इसके लिए आवेदन 20 मार्च 2023 से कर पाएंगे, ठीक है। 20 मार्च 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, और 3 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि किस राज्य में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, और आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा कि हमारे राज्य में कितनी सीट निकाली गई हैं कैटेगरी वाइज, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, मिनिमम 20 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 28 साल यहाँ एज क्राइटेरिया रखा गया है। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पास 31 मार्च 2023 से की जाएगी, मतलब जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 31 मार्च 2023 से की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ मांगा गया है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों, आप यहां देख पाएंगे कि पोस्ट कितनी निकाली गई हैं, तो 5000 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सही विकल्प की तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आपका जो पेपर होगा उसके 5 पार्ट होंगे। तो देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से, जनरल इंग्लिश से, रीजनिंग से और कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, और बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक रिटेल असिस्ट प्रोडक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि आपके पेपर के 5 पार्ट रहेंगे और इन्हीं से यहाँ पास प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पेपर कितने घंटे का होगा अभी नहीं बताया गया है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको बताया जाएगा कि आपका पेपर कितने घंटे का रहेगा, ओके। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो देखिए 4th टाइम ऑफ वैकेंसी का यहाँ पास स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पास 5000 वैकेंसी निकाली गई है तो इसका 4th टाइम करें तो यहाँ पास 20000 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद ही आपकी यहाँ पास मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ओके। और यहाँ पास आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण ब्रांचेस में काम करते हैं तो आपको 10000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, और यदि आप सेमी अर्बन ब्रांचेस में काम करते हैं तो आपको 10000 रुपये ही वेतन दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप शहरी यानी अर्बन ब्रांचेस में काम करते हैं तो आपको 12000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। मेट्रो ब्रांच जो होती हैं, तो यदि आप इनमें काम करते हैं तो आपको 15000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास उम्र में छूट देखने के लिए मिल जाएगी, ये मैं आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यदि आप एस सी एस टी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से हों आप यहाँ देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद आपको फीस देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। देखिए यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 400 रुपये लगेगी, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 600 रुपये लगेगी, और यदि आप इसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस यहां 800 रुपये लगेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से हों आप अपनी कैटेगरी वाइज फ़ीस यहाँ देख लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।